4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और अभी तक हम लगभग 25,000 लोगों को शिक्षा विभाग में दे चुके हैं लगभग, और आने वाले 3 सालों में एक भी पद शिक्षा विभाग में खाली नहीं रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इशारा कर दिया कि आप तैयारी करो, और अब हम गणना इस प्रकार से भी करने लग गए हैं कि जैसे साल भर बाद रिटायर होने वाला है कोई, अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि भर्ती करें, क्योंकि वो रिटायर्ड होगा जहां तक भर्ती हो जाए। तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि हम ऐसे पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि वो रिटायर्ड हो उसके साथ साथ ही उसकी भर्ती भी हो जाए। पहले ऐसा होता था कि वो रिटायर्ड होगा तब विचार करते थे भरने की, तब खाली हुआ है, पर हमने पहले से तैयारी से करके रखी है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। 4 साल में दूसरी भर्ती होती है 3,75,000 का आपका टारगेट, 2 साल में नहीं हो सकता है। हमने अपने कहा, मैंने कहा प्रक्रिया चालू कर दी है, 30,000 हमने भर्ती कर ली है। कांग्रेस ने जो बुरे काम किए थे उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। कई सारे